अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जिनके पिंपल्स बने होते हैं, जिनके स्याह हल्के बने होते हैं, जिनकी स्किन डैमेज हुई होती है या जिनके साइड इफेक्ट चेहरे पर इतने हुए होते हैं कि उनके चेहरे पर रेडिश आई होती है, एलर्जी। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम एक मास्क तैयार करेंगे जो कि चार चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसको हम साथ बनाना भी सीखेंगे और उसका इस्तेमाल भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता चलूँ हल्दी की, जिसको टर्मेरिक भी कहते हैं। पहले से इस बात का पता है कि हल्दी एक वाइटनिंग फार्मूले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है देसी तरीके से। ये हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, मतलब ये चेहरे की जिल्द को बिल्कुल साफ कर देती है। जो ऊपर पुरानी जिल्द होती है चेहरे के, उसको ये हटा कर नीचे से जो नई जिल्द आती है, जो कि बहुत अच्छा ग्लो देती है, जो स्किन के अंदर जरासीम होते हैं उनकी ये सफाई करती रहती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कर्ड दही की। अगर आप दही घर में तैयार करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है, बाजार से तो बहुत अच्छा है जो आप घर में तैयार करते हैं। दही चूंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, आप जितनी भी बाजार से वाइटनिंग क्रीमें खरीदते हैं जो स्किन के लिए होती हैं, इन सब क्रीमों के अंदर एक हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो के लैक्टिक एसिड की तरह ही बिल्कुल काम करता है, चेहरे की स्किन को बिल्कुल साफ करता है। लेकिन ये जो क्रीमें हैं ना, ये आप अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका रिजल्ट उसके बाद आपको पता लगता है, जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब ये देसी टोटका है, इसका ना तो आपको नुकसान होगा और फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं हनी की, शहद की। अब शहद आप कोशिश करें कि आपको खालिस मिल जाए। अब जो शहद है इसके अंदर भी यही खसूसियत पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं, क्योंकि जो पुरानी तय होती है उसको ये हटाकर नई तय लाने में आपकी मदद देता है, जिससे आपके स्किन में जान आ जाती है। सबसे आखिर पर हम बात करते हैं पोटैटो की, आलू की। अब इसके अंदर ऐसा एंजाइम होता है जो पर्टिकुलेट होता है, जाहिर है ये एक ऐसा अल्लाह पाक का तोहफा है जिसके अंदर ये इसमें बहुत सारे विटामिन कैल्शियम बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। आपने इसका क्या करना है, आपने एक मीडियम साइज का आलू ले लेना है और इसको कद्दूकश के जरिए इसको आपने ब्रीक कर लेना है और थोड़ा पीस के इसको किसी कपड़े के अंदर निचोड़ कर इसका आपने पानी ले लेना है। अब हमने चार चीज़ों का जिक्र किया, हल्दी, दही, शहद और आलू। अब आपने इनका इस्तेमाल कैसे करना है, छोटा चम्मच हल्दी का और एक छोटा चम्मच शहद का, हनी का, एक बड़ा चम्मच दही का और एक बड़ा चम्मच आलू के पानी का। अब आपने इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना, इनका पेस्ट बना लेना। अब ये पेस्ट आपने अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना, जाहिर बात है आंखें और होंठ बचा लेने हैं और बाकी गर्दन तक आपने इसको लगा लेना है और 20 से 25 मिनट तक इसको लगा रहने दें। उसके बाद आप फ्रेश पानी के साथ इसको हल्का हल्का मसाज करके इसको धो दें और रात को सोने के वक्त आप एक रोज़ वाटर, गुलाब के अरक की जो बोतल है वो आप एक साथ खरीद लेना, वो उसका एक दो शावर मार लिया चेहरे के ऊपर और फिर आप अप इसको इस्तेमाल करें। 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपका जो रंग है वो बेहतरीन सफ़ेद हो जाएगा, आपके चेहरे की जो जिल्द है वो सेहतमंद हो जाएगी, जिससे आप खूबसूरत दिखाई देंगे और आपके जो चेहरे पर जो केमिकल्स और रिएक्शन करने वाले जो जरासीम हैं और जो डस्ट है वो सब कुछ साफ़ हो जाएगी और एक आपका खूबसूरत आपकी एक खूबसूरत रंगत आ जाएगी। तो दोस्तों, मेरी किसी बात की अगर आपको समझ ना लगे फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ रब्ता करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप खुद इस देसी तरीकों को आजमाएं और अपने प्यारों से भी इसको शेयर करें, आप खुद भी फ़ायदा उठाएं, उनको भी इसका फ़ायदा दें। मज़ीद मैं आपको अच्छी से अच्छी नई से नई तहकीक के मुताबिक आपको देसी टोटके बताता रहूँगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।